हेलो बच्चों, मैं हूँ अर्शी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्शी का क्लास। बच्चों, आज हम 15 पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मैं भी। क्या नाम है पाठ का? नाम मैं भी। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया। एक अंडे में से क्या हुआ? बत्तख का बच्चा निकला और उसने क्या कहा? मैं निकल आया। बत्तख का बच्चा बोला, मैं निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। एक मुर्गी का अंडा था, उसमें से चूजा निकल आया और वो क्या बोला? मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। क्या? मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। क्या बोला? बत्तख का बच्चा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। तो चूजा भी क्या बोला? मैं भी खोदूंगा। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी चूजा बोला। दोनों को क्या मिला? केचुआ, कीड़ा मिला। देखो ये बच्चों खा रहे हैं ना। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। फिर मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। चूजा क्या बोला? मैं भी तैरूंगा। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि चूजे को तो तैरना आता ही नहीं है। बत्तख तो पानी में रहती है, चूजा क्या है? जमीन पे रहता है। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। क्या निकाला? बाहर निकाला। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? एक अंडा है, एक अंडा था, उसमें से क्या निकला? एक बत्तख का बच्चा निकला। एक और दूसरे अंडे में से चूजा निकला, मुर्गी का बच्चा निकला। और जो बत्तख का बच्चा था, जो करता था, वो घूमने जाता था, तो चूजा भी घूमने जाता था। वो गड्ढा खोदता था, तो वो भी गड्ढा खोदता था। वो कीड़ा ढूंढता था, तो वो भी कीड़ा ढूंढता था। दोनों क्या एक से काम करते थे ना। वो तितली पकड़ी, तो चूजे ने भी तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा तैरना चाहता था, तो चूजा भी तैरने लगा। और चूजा क्या हुआ? डूब गया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, क्योंकि वो ज़मीन पे रहता है और बत्तख पानी में रहती है। समझे बच्चों? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी अकल लगानी चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। समझे बच्चों? इसमें है आगे क्या क्या हुआ होगा। आगे ये हुआ होगा, जो चूज बत्तख का बच्चा करता है, वो ही चूजा करते हैं। तो इससे क्या होता है? दोनों परेशान हो गए होंगे, क्योंकि एक से काम दोनों नहीं कर सकते। सबके काम अलग अलग होते हैं, क्योंकि बत्तख पानी में रहती है और चूजा ज़मीन पे रहता है। तो समझो बच्चों, समझे कि सबके काम अलग अलग होते हैं। बच्चों अब हम इसका
अभ्यास करेंगे। नाम दो, चूजा बार बार बत्तख के बच्चों की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो, क्या होगा? नकलची चूजा। क्या है? नकलची चूजा। क्या डूबेगा, क्या तैरेगा? तो टहनी डूबेगी और क्या डूबेगी? टहनी डूबेगी बताना या तैरेगी? पत्थर डूबेगा या तैरेगा? पत्ती डूबेगी या तैरेगी? चौक जो है वो डूबेगी या तैरेगी? करके देखो, एक टब पानी लेना है और उसमें ये डाल देनी है सब चीज़ें। तो इसे करके देखो और निशान लगाओ। इसे करके देखना है और निशान लगाना है। चीज़ें, चौक क्या है? डूबेगी, डूबेगा ना। पत्थर क्या है? वो भी डूबेगा। रुई क्या है? तैरेगी। कागज़ भी तैरेगा, टहनी भी तैरेगी, पेंसिल भी तैरेगी, छिलनी भी तैरेगी। तो बच्चों, ये अभ्यास यही ख़त्म हुआ। अब आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। तो बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।